हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर किचन ब्लॉग्स। होप सो के आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कप सूजी से इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी मिठाई जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और फटाफट से बन जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया एक बड़ा चम्मच देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे एक कप सूजी और इसको हमने धीरे धीरे मीडियम टू स्लो गैस पर रोस्ट करना है। फिर सूजी को देख के चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल धीमी गैस रखेंगे ताकि हमारी सूजी का कलर चेंज ना हो और ये अच्छे से भुन भी जाए। तो पाँच से सात मिनट में हमारी सूजी भुनकर हो चुकी है तैयार। ये पैकेट वाली सूजी है, ये थोड़ी बारीक होती है, उसका कलर भी अच्छे से चेंज नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे वाइट रहती है। देखिए सूजी भुनने के बाद इसमें डाल दिए मैंने आधी कटोरी फ्रेश मलाई, ये घर की मलाई है। इसको मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और इसमें मावा का टेस्ट आएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और जिसमें थोड़ी सी गुठलियाँ वगैरह होंगी अच्छे से तोड़कर इसको एक सार कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच नारियल का बुरादा, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से फूल भी चुकी है और ये खिली खिली भी हो चुकी है। अब इसको गैस को करते हुए बंद और सूजी को निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। अब इसी कढ़ाई में मैंने आधा कप चीनी डाल दिया। जैसे हमने एक कप सूजी ली थी तो उसका आधा आधा कप चीनी डाल दिया और चीनी का आधा पानी डाल दिया, यानी कि आधे कप से भी आधा पानी। अब इसको हमने एक तार की चाशनी में ला लेनी है इस तरह से चलाते हुए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एक तार बना है या नहीं। तो अभी तार नहीं बनाया, थोड़ी चिपचिपी सी तो हो गई है चाशनी हमारी, तो इसे थोड़ा और पका लेते हैं। तार हमारा बनना शुरू हो चुका है, थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद तार हमारा बन चुका है। देखिए एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने सूजी और मलाई का मिक्सचर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस को कर देंगे बंद और इसी तरह से हमने सूजी को ठंडा कर लेना, जिससे कि ये गाढ़ी होने लगेगी। लगातार चलाते रहे तो ये बर्तन में चिपक जाती है। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद सूजी हमारी गाढ़ी होने लगे, तो गैस को कर देंगे बंद और इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। तो ये अब जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे।
गैस को हमने इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देना है और ऐसे ही चलाते हुए हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए सूजी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो एक प्लेट पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, उसके ऊपर डाल देंगे सूजी का ये मिक्सचर। मिक्सचर डालने के बाद इसको हमने चम्मच या चाकू की सहायता से देखिए इस तरह से हमने इसको एक चौकोर आकार में बना लेना है। थोड़ी सी मोटी परत लेनी है सूजी की, जिससे कि हमारी जो बर्फी है वो अच्छे से कट जाए। तो देखिए इस तरह से हमने सूजी के मिक्सर को सेट कर लिया है चौकोर में। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से खरबूजे के बीज और बादाम की कतरन और थोड़ा सा डाल देंगे नारियल का बुरादा और इसको सेट होने के रख देंगे 10 से 5 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए तैयार है हमारी 1 कप सूजी से टेस्टी और मज़ेदार सी मिठाई। इसको अब पीसेस में काट लेते हैं। अगर आपने इस मिठाई का एक बार टेस्ट कर लिया तो आप काजू कतली को भी भूल जाएंगे और बार बार इसे ही बनाकर खाएंगे। और इसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं है, जो घर पर मौजूद सामग्री है उससे ही हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए फटाफट से हमारी बर्फियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। कोई बिगनर भी नहीं आसानी से बना सकता है, ये फटाफट से बन जाती हैं। बस आपने एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के बाद सूजी का मिक्सर डाल देंगे, उसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे और उसको इस तरह से ही गाढ़ा कर लेंगे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।